स्टार्ट लेते हैं बिस्मिल्लाह। क्लास 3 P6। इसमें अगर आप देखें तो पेज नंबर 2 पे फॉर्मेट मिलेगा आपको। पेज 2 फॉर्मेट मिला। ये फॉर्मेट आस्ते आस्ते ही इंशाल्लाह इस्तेमाल होगा। पेज 3 पे भी फॉर्मेट ही है। पेज 4 में आए। पेज 4 इसमें कुछ एग्जेम्प्ट इनकम है, इनको पढ़ लेते हैं। ये एग्जेम्प्ट इनकम कभी कभी एक आध मार्क्स में काम आ जाती है। द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इसमें देखिए नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। पेज 4 एग्जेम्प्ट इनकम की हेडिंग, इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट एग्जेम्प्ट है। इस पर थोड़ी सी बात करनी है। आईएसए से जो माफ रहे इंटरेस्ट आता है वो बेसिकली एग्जेम्प्ट होता है। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, इसके लिए आईएसए का वर्ड यूज करेगा वो, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। यहां से जो इंटरेस्ट आता है वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन इस पर अब थोड़ी सी डिस्कशन हमें पता होनी चाहिए। ये जो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है इसकी जो लिमिट है वो £20,000 तक की लिमिट है। कितनी लिमिट है? £20,000 तक। अब जहन में एक सवाल आता है ना कि अगर आईएसए से आने वाली इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है तो हर इंडिविजुअल को यूके में क्या करना चाहिए, सारे पैसे कहाँ रख देने चाहिए आईएसए के अंदर? तो सर वो यूके वाले पागल थोड़ी है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? £20,000 तक की लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं है। अब इस 20,000 में कोई काम की बातें, काम की बातें क्या है? यहां देखिएगा, आईएसए में आप पैसा कैश एज वेल एज शेयर्स की फॉर्म में रख सकते हैं। रिपीट, आईएसए में पैसा आप क्या कर सकते हैं? कैश एज वेल एज शेयर्स की फॉर्म में रख सकते हैं। क्या मतलब? अज्यूमिंग आपने कहा £12,000 कैश की फॉर्म में होगा आईएसए में, और £8,000 शेयर्स की फॉर्म में होंगे। यू कैन डू दैट। 10-10 भी हो सकता है, 15-5 भी हो सकता है, मतलब कोई भी रेशियो हो सकता है, बस लिमिट 20,000। अब काम का पॉइंट सुनिएगा, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में जो आपने कैश अगर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? कैश। कैश पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। आईएसए के अंदर जो शेयर्स पड़े हुए हैं, शेयर्स इन पे अगर आपको डिविडेंड मिलेगा, क्या मिलेगा? अगर इन पे आपको डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। आईएसए वाले जी टैक्स एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं देना। आईएसए वाले शेयर्स को बेचते हो और उस पर कैपिटल गेन आता है, क्या आता है? कैपिटल गेन, तो वो गेन एग्जेम्प्ट है। रिपीट, आईएसए में आपने पैसा रखा हुआ है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? £20,000। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो £20,000 सारे के सारे आप कैश के फॉर्म में वहां रखें। इट कुड बी एनी रेशियो बिटवीन कैश एंड शेयर्स। याद रखने वाली बातें क्या है? कैश की फॉर्म में इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उस पर जो भी इंटरेस्ट इनकम अल्लाह माफ करे आपको मिलती है वो एग्जेम्प्ट है। जो आईएसए में शेयर्स पड़े हुए हैं उन पर जो डिविडेंड आएगा वो एग्जेम्प्ट है। उन शेयर्स को बेचने पे अगर कोई कैपिटल गेन आता है तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक होगी बात? तो ये हमें थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए, किसके लिहाज से? आईएसए के लिहाज से। एग्जामिनर खुद बताएगा इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम आईएसए, बस आपको ये बताना है चाहिए एग्जाम्पल। रूल रखा नहीं, आईएसए के अंदर जो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है ना उसकी लिमिट £20,000 है। आप समझ रहे हो? हाँ, आईएसए में 20। वो तो अलग है ना, वो तो कहानी अलग है। जैसे आपने शायद एक नाम सुना हो, आसान अकाउंट का नाम सुना किसी ने? पाकिस्तान में एक आसान अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। आसान अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है? आप किसी भी बैंक चले जाएं अपना एलआईसी लेके, आप उनसे कहेंगे मुझे आसान अकाउंट खुलवाना है, तो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आपकी इनकम क्या है, अर्निंग्स है, कुछ नहीं पूछेंगे। एनआईसी दिखाएंगे आप, 5 लाख रुपए की लिमिट वाला आसान अकाउंट खुल जाएगा आपका। जिस दिन आपने उसमें 5,05,000 रुपये डिपॉजिट करवाए वो 5,000 रुपये आपको वापस कर देंगे फिर। ये आप ज़्यादा दे रहे, लिमिट ही कितनी है 5 लाख? आईएसए में लिमिट कितनी है? £20,000।
नहीं, वो हमारा इशू ही नहीं है, बैंक को तो कोई फायदा नहीं, हमें तो सिर्फ अपना देखना है। वैसे तो अगर आप देखें तो लोग अगर उस तरह की बातें सोचेंगे तो लोगों को बैंक में रखना ही नहीं चाहिए, उनको तो चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट तो ज़्यादा मिलता ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना, वो एरिया नहीं हमारा, हमारा एरिया सिर्फ किसका है, रूल्स का। वैसे तो हमें बस इतना आप कह रहे हैं ISA में 20,000 की जो लिमिट है उसमें से कुछ कैश कुछ शेयर्स के फॉर्म में, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, एग्जामिनर कहता है जो शेयर्स बेचे हैं वो ISA में पड़े थे, तो आप क्या लिखोगे इस पर आने वाला गेन एग्जामिनर, एग्जामिनर कहता है जिन शेयर से डिविडेंड आ रहा है वो शेयर्स ISA में पड़े हैं, आपको क्या बताना चाहिए एग्जाम का, इतनी बात बतानी चाहिए, इससे आगे रूल्स बताने चाहिए। अब एक काम का पॉइंट छोटा सा प्लीज सुनिए, अगर किसी इंडिविजुअल की जो टैक्सेबल इनकम है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम इतनी है कि वो पर्सनल अलाउंस के अंदर ही क्या हो रही है, खत्म हो रही है, किसमें खत्म हो रही है, पर्सनल अलाउंस के अंदर ही खत्म हो रही है, अब अगर उसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और आप उसको इस तरह की एडवाइस दे रहे हो कि अरे काम करो आप ISA में पैसा रख दो, वहां से जो बेसिकली आएगा डिविडेंड आएगा वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, वहां से जो इंटरेस्ट आएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो उस इंडिविजुअल को ये देखना चाहिए कि यार वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है आ कितना रहा है, लेट से ISA इंटरेस्ट आ रहा है 1,000, तो कह सकते हैं ना इंडिविजुअल अगर भाई वैसे ही मुझे स्टार्टिंग रेट बैंड मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है ISA से मिलने वाला इंटरेस्ट कम हो और कहीं और अगर लगाऊं तो वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा हो, आप तो ISA का मशवरा इसलिए दे रहे हो ना कि एग्जेम्प्ट होगा, तो अगर किसी को लगता है कि यार मेरा स्टार्टिंग रेट बैंड पूरा मौजूद है और मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन ISA फॉर एग्जाम्पल वहाँ से इंटरेस्ट इनकम फॉर एग्जाम्पल कम मिल रही है, और एक ऑप्शन टू जहाँ से इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा मिल रही है, ऐसे वहाँ से इंटरेस्ट इनकम थोड़ी ज़्यादा मिल रही है तो आप उसको एडवाइस देते हो यार आप यहाँ पे पैसा लगा दो, उसकी वजह क्या है, तो हमारे पास तो स्टार्टिंग रेट बैंड मौजूद है, आपको फिर भी क्या नहीं लेना, टैक्स नहीं लेना, इस तरह की बातें आ सकती हैं। बस जो रूल याद होना चाहिए भाई मत भूलिएगा, जो अभी आप सब जज्बात में होंगे हम कभी नहीं भूलेंगे, ISA से आने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, ISA में पड़े हुए जो शेयर्स हैं उन शेयर्स पर अगर कोई डिविडेंड मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है, और उन शेयर्स को बेचने पर अगर कोई कैपिटल गेन आता है तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ISA में पड़े हुए शेयर से मिलने वाला डिविडेंड अगर 2,000 पाउंड से कम है या 2,000 पाउंड तक है तो आप उसे लिखेंगे ISA ने तुम्हें कोई खास फायदा ही नहीं दिया भाई, कोई फायदा ही नहीं दिया आपको, क्यों सर ISA में ना भी पड़ा होता तो भी 2,000 पाउंड तक क्या हो जाता, एग्जाम नील रेट बैंड है, और कैपिटल गेन आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कैपिटल गेन की एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, तो हमें सिर्फ ये बताना है कि अगर वहां से नील रेट बैंड आ रहा है तो आप कहेंगे यार अगर लेट से आपको 1,500 मिले डिविडेंड की फॉर्म में ISA से, तो आप कहेंगे यार अगर ये ISA में ना भी होते तो भी 1,500 तो किस में चला जाता, नील रेट बैंड में चला जाता, ये बात क्लियर होती है। तो किसी को अगर डिविडेंड इनकम ISA से मिले और 2,000 से ज्यादा हो तो फिर तो आप कहेंगे यार एक्चुअली तुम्हारा टैक्स क्या हुआ, सेव हुआ है, लेकिन अगर 2,000 के अंदर अंदर डिविडेंड इनकम मिल रहा है तो टेक्निकली मेरा कोई टैक्स सेव नहीं हो रहा, ये बात क्लियर होती। तो इसके बाद है नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट सेविंग सर्टिफिकेट, वो खुद बताएगा ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से मिलने वाला इंटरेस्ट है एग्जाम, इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ टैक्स, ये क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल UK वालों को ज्यादा टैक्स दे दे, ज्यादा टैक्स क्या बात है, तो सर UK वाले बड़े अच्छे हैं, वो रिफंड भी देंगे आपको कि भाई आपने ज्यादा टैक्स दे दिया, और उस रिफंड पे अल्लाह माफ करे आपको इंटरेस्ट भी देंगे, कैसे लोग हैं भला, आपने ज्यादा पे कर दिया वापस लो इंटरेस्ट के साथ, और अब जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना वो एग्जेम्प्ट है। अब बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल आता है, अच्छा ऐसा, तो एक काम करते हैं यहां से ही कमा लेते हैं, ज्यादा टैक्स दे देते हैं हर दफा तो वहां से हमें रिफंड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बेटा उसका जवाब सुन लें, जो आपको रिफंड मिलता है इंटरेस्ट के साथ, जो इंटरेस्ट मिलता है ना, जो HMRC आपको इंटरेस्ट देता है वो 0.5% होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई 0.5 की अर्निंग के लिए ज्यादा क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा, लेकिन रूल बताना चाहिए, अगर आपने ज्यादा टैक्स दे दिया टैक्स वाले आपको वापस करेंगे रिफंड के साथ। रिडंडेंसी पेमेंट्स,
ये जो रिडेंडेंसी पेमेंट्स होती हैं ये एग्जेम्प्ट होती हैं, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्टैचुटरी रिडेंडेंसी पेमेंट। जो स्टैचुटरी रिडेंडेंसी पेमेंट होती है एग्जेम्प्ट होती है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे सर, कोई स्कॉलरशिप इनकम एग्जेम्प्ट, गेमिंग, लॉटरी, अल्लाह माफ करे, प्रीमियम बॉन्ड विनिंग, सर इस तरह की कोई भी गेमिंग शेमिंग है, लॉटरी है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं एग्जेम्प्ट। और वैसे मैं बताऊँ जी, लॉटरी में इस्लामिक लिहाज से छतरोल सेशन टकार बाहर, लेकिन एग्जाम जी प्राइज बॉन्ड तो बिल्कुल छतरोल सेशन है हमारे पास। तो आगे जी जी ऊपर जा रहे, जिंदगी में भी शुरू हो जाता है, दिखाई नहीं देता लेकिन लग रहा हो। स्टेट बेनिफिट पेड इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, कोई इनफॉर्मिटी, सर अगर कोई स्टेट बेनिफिट इन इवेंट्स में मिलते हैं तो वो एग्जाम होते हैं। अब ये वहाँ की स्टेट देती होगी, हमारे वाले तो ये डिसेबिलिटी को ही है। डिसेबिलिटी का दूसरा नाम। अच्छा जी, अदर नोट्स, नोट्स टू कंपटीशन जो अदर हैं, अदर अर्न इनकम, वो फिलहाल हमारे काम की नहीं है। पॉइंट नंबर टू पढ़े, इंटरेस्ट रिसीव ग्रॉस नजर आ रहा है। एक्चुअली जहां से भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो बेसिकली क्या होता है, ग्रॉस होता है। लेकिन पॉइंट नंबर थ्री पढ़े, ये पक्का याद होना चाहिए, याद मीन्स याद। इंटरेस्ट फ्रॉम अनकोटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशूड बाय यूके रेजिडेंट कंपनीज टू इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल लोन नोट इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट, अगर ये आईआईपी आगे आएगा इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अगर आपने किसी अनकोटेड कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किए, कहां इन्वेस्टमेंट किए, अनकोटेड कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किए, तो वहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो नेट मिलेगा। नेट मीन्स आपको जो मिलेगा वो 80% होगा, आपको उसे ग्रॉसअप करना पड़ेगा। क्या मतलब 80% होगा, ग्रॉसअप करना पड़ेगा, याद रखना सिर्फ समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर कहता है जी मिस्टर ए के पास एक एम्प्लॉयमेंट इनकम है 40,000, उसको इंटरेस्ट मिला अल्लाह माफ करे फ्रॉम अनकोटेड कंपनीज बॉन्ड अमाउंट है 10,000, कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये नेट अमाउंट है, रिक्वायर्ड है हमें इनकम टैक्स पेबल निकालना। इनकम टैक्स पेबल कैसे आएगा प्लीज देखिएगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम तो नॉन सेविंग में आ जाएगी और इंटरेस्ट सेविंग में आएगा, कैसे आएगा ये देखिए, ये 40 और ये कितना है 10, यहां लिखा नॉन सेविंग जो कि एम्प्लॉयमेंट इनकम है, यहां लिखा सेविंग इनकम, यहां लिखा टोटल। सर डायरेक्टली लिख लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी थी 40, इंटरेस्ट इनकम को आप ग्रॉसअप करो मिलेगी नेट 80% आपको मिलेगी, आप उसको ग्रॉसअप करेंगे लिखते हुए, तो 10,000 का इंटरेस्ट मिला ना आपको, ये लॉजिकली जो 10,000 का इंटरेस्ट मिला है 80% है, क्योंकि 20% ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका था एट सोर्स। अगर 20% एट सोर्स डिडक्ट हो चुका है, इस 10,000 को अगर मैं 100/80 कर दूं कितना आएगा 12,500, यस नो, ये आ गया। दोनों को अगर ऐड कर दे 52,000, अब याद रखिएगा हमें इंटरेस्ट इनकम मिली 10,000 है अल्लाह माफ, लेकिन हमने उसको ग्रॉसअप करके लिखा तो 12,500, ये हो गया टोटल इनकम। पर्सनल अलाउंस 12,000, टैक्सेबल इनकम आ गई, यस तो सबसे पहले नॉन सेविंग को टैक्स करेंगे, नॉन सेविंग को सबसे पहले टैक्स करेंगे, याद रखिए बेसिक रेट में सारा आ रहा है
5000। इसको देख के हम कह सकते हैं इंडिविजुअल हायर टैक्स पेयर, नेट बैंड मिलेगा। अब बेसिक रेट बैंड में कितनी स्पेस बाकी है? 9500, क्योंकि 37500 में से हम 27500 भी माइनस करेंगे और ये 500 भी माइनस करेंगे। अब हमें जो बेसिकली टैक्स करना था तो 12500 वो टैक्स करना है, उसमें से 10000 टैक्स हो चुका है। ये सुनो, अब हाई रेट पेड की बात होगी, कितना लगा दो, 1000 आ जाएगा। यस तो ऐड कर लें, इसको कहेंगे इनकम टैक्स लायबिलिटी। कितनी आ रही है अब ये जो 8400 आ रहा है, चेक कर ले भाई सब लोग। यस तो अब इसमें एक छोटा सा इशू ये कि यार हमें जो पैसा मिला था ना, हमें तो एक्चुअली इंटरेस्ट के नाम पे अल्लाह माफ करे 10000 मिले, लेकिन कैलकुलेशन करते हुए हमने 10000 को तो इनकॉर्पोरेट नहीं किया ना, हमने तो ग्रॉस अमाउंट को इनकॉर्पोरेट किया जो कि 12500। इसका मतलब है आप 20% एडवांस में ऑलरेडी टैक्स दे चुके थे, उसके लिए बड़े सवाल होता है टैक्स क्रेडिट का। लेस कर दें टैक्स क्रेडिट, तो 12500 का 20% 2500, ये जो आएगा ये आपका इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल। आइडिया हुआ, पहले ग्रॉसअप किया, नेट वाला पॉइंट क्लियर हुआ, और ग्रॉस करना और सब कुछ करना। तो अगर अनकोटेड कंपनी के बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉजिकली जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है तो 20% पहले से कट जाता है, आपको 80 मिलता है, जो आपको मिला 80% था। 20% अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, अनकोटेड के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे जो भी इंटरेस्ट आपके अकाउंट में गिरेगा वो 80% होगा, 20% ऑलरेडी कट चुका होता है। ये तो रूल्स है, एट सोर्स कट जाता है टैक्स। जैसे आप लोग इंशाल्लाह जब जॉब करोगे तो आपकी सैलरी में से पहले से ही टैक्स कट जाएगा। इस तरह से जितना इंटरेस्ट आपको मिलना है 20% पहले से ही कट जाता है। आपका सवाल नहीं, आप समझे नहीं, उन्होंने इंटरेस्ट उन्होंने तो दिया है HMRC को, ये किसको पे किया उन्होंने, HMRC को। जी जी जी, जो आपके हिस्से में इंटरेस्ट आ रहा था, खुद सोचें, नहीं आपने, आपको इनकम मिली 10000, आपने कैलकुलेशन में कितने शो किए, 12500, आपने तो ग्रॉसअप करके शो किया ना, आपने टैक्स वालों को बताया कि मेरा हिस्सा बनता था 12500 लेकिन मुझे मिले एक्चुअली कितने, 10000। तो टैक्स वालों ने कोई बात नहीं, आप 12500 पे काम करें ग्रॉस इनकम पर, जितनी इनकम टैक्स लायबिलिटी आती है उसमें से माइनस कर दो जो ऑलरेडी टैक्स आप पे कर चुके हो। जी प्रेजेंटेशन, जी जी, इसे चाहे तो कॉपी कर, बस एक पॉइंट याद रखना छोटा सा भाई, जो मिला है 80 है, ग्रॉस अप करके शो कर दो, ग्रॉस अप कर, लेकिन बॉन्ड कौन से हैं, अनकोटेड प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स। प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मिलने वाला इंटरेस्ट 80% होगा, 20% ऑलरेडी कट चुका हो, लेकिन सवाल सॉल्व करते हुए आप उसे पहले ग्रॉस अप करेंगे 100/80 करके, पूरा सवाल सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह, और फिर क्या करोगे, एंड में जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी उसमें से लेस कर देंगे टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट मीन्स टैक्स विच यू हैव ऑलरेडी पेड इन एडवांस, लेकिन कैलकुलेशन में आपको अपनी इनकम 100% शो करनी होती है।
जी हो गया कभी? नहीं हो गया। इतनी जल्दी हम कॉपी नहीं करते, जब तक कॉपी खुद निकल के बाहर आके कॉपी ना हो हम कॉपी नहीं करते। ये 20 पेजेस तक अपडेट कर दिए अल्लाह का शुक्र। हर क्लास में अल्लाह ने चाहा तो 20-25 पेजेस अपडेट हो जाएंगे। और जी वो जी अब तो हो गया है बड़े सारे। पेज नंबर 4 पर दोबारा उसी पे है अभी, पेज 4 पे। जी इसके अलावा देखिए फॉरेन इंटरेस्ट किसी को नजर आ रहा है? इंटरेस्ट रिसीव ग्रॉस के नीचे सॉरी लिखे इंटरेस्ट नेट में, एक और क्या था IAP, इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो इसके नीचे देखिए अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड्स एन्यूटी इनकम, इनकम एलिमेंट ओनली पढ़ेंगे कि क्या होता है इंशाल्लाह। आगे बढ़े नॉन सेविंग इनकम फ्रॉम कहाँ से? सो IAP से, इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट से आपको नॉन सेविंग इनकम मिलती है तो उसको भी 100 बाय 80 करना होता है। ये आगे चल के ना ट्रस्ट का टॉपिक, ट्रस्ट में इंशाल्लाह पढ़ो। फिलहाल बस इतना याद रखना IAP से अगर नॉन सेविंग इनकम मिलेगी तो उसको भी 100 बाय 80 करोगे। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट से अगर कोई इनकम मिलेगी डिस्क्रिशनरी से उसको 100 बाय 55 करेंगे। 100 बाय 55 करने का मतलब है कि 45% ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। 45% विदहोल्डिंग टैक्स होता है। एट सोर्स कितना कट जाता है? 45। तो ग्रॉसअप अगर एक चीज में से 45% कट गया तो बचेंगे कितना? 55। ग्रॉसअप के लिए 100 बाय 55 करेंगे। कोई और फॉरेन इनकम है उसको भी ग्रॉसअप करें किससे? ओवरसीज में अगर कोई टैक्स पे किया है तो। डिविडेंड फ्रॉम रियल इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RREIT 100 बाय 80। डिविडेंड फ्रॉम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके लिए एग्जामिनर यही वर्ड यूज करेगा, साफ लिख के देगा डिविडेंड फ्रॉम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। वहां से जो भी डिविडेंड मिलेगा अगेन उसमें से क्या हो चुका होगा? 20% कट चुका होगा, आपको 100 बाय 80 करना पड़ेगा। आगे बढ़े अदर डिविडेंड इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड फ्रॉम IAP। IAP से अगर कोई डिविडेंड आता है तो उसको 100 बाय 92.5 से ग्रॉस अप करते हैं। इसका मतलब पता है किसी चीज को अगर आप 100/92.5 से ग्रॉस अप करते हैं इसका मतलब एट सोर्स 7.5 कटा था। सोचो अगर मैं किसी चीज को 100/92.5 से ग्रॉस अप करता हूं इसका मतलब एट सोर्स कितना कटा था? 7.5। तो डिविडेंड फ्रॉम एन IAP ट्रस्ट, IAP से अगर डिविडेंड मिलेगा तो 100/92.5 से ग्रॉस अप करेंगे और फॉरेन डिविडेंड बाहर जितना टैक्स दिया उससे ग्रॉस अप करेंगे। अब ये जो है ना ग्रॉस अप करेंगे इतने से इतने, ये बातें आहिस्ता आहिस्ता याद करनी है। क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट, सो क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट की कुछ बातें याद रखनी है फिर मैं बताता हूँ इंशाल्लाह करना क्या होता है इसमें। पेज नंबर 5 पे देखिए वी आर डिस्कसिंग क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट जो कि लोन पे देते हैं।
जी बेटा, क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट पहले हमें इसके इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या, वो मैं एक मिनट में बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वालिफाइंग पर्पजेस क्या है, कि जिसके लिए अगर आप लोन लेंगे तो दिया जाने वाला इंटरेस्ट क्या होगा, वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहे हैं, एक्चुअली क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्वालिफाइंग पर्पजेस किस किस चीज के लिए अगर आप लोन लें तो उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होता है। पेज 5 का पहला पॉइंट देखिए, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप मिला किसी को, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप। अगर आप लोन लेकर पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस लोन पे जो आप इंटरेस्ट देंगे अल्लाह माफ करे, वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप। सेकंड देखिए, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर एम्प्लॉयमेंट। सर आप दुनिया के पहले एम्प्लॉई हैं शायद, जिसने पहले लोन लिया फिर उससे एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा और उसे एम्प्लॉयमेंट में इस्तेमाल किया, क्या बात है। एग्जाम्पल ले लेते समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू टुक द लोन, चल आपने 5,000 pounds का लोन ले लिया और उस 5,000 pounds के लोन से आपने एक लैपटॉप खरीदा, क्या बात है। कौन सा लैपटॉप है मुझे पता नहीं, 5,000 pounds का आ रहा है, 5,000 pounds का आपने लैपटॉप लिया और आपने कहा मैं इस लैपटॉप को एम्प्लॉयमेंट में इस्तेमाल करूंगा। एम्प्लॉयर ने कहा क्या बात है यार, तो बहुत आगे निकल गया, आगे अल्लाह करा। सर सिंस जो एसेट जो लोन ले लिया है उससे जो एसेट आपने खरीदा वो एम्प्लॉयमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, तो इस लोन को क्वालिफाइंग लोन कहेंगे और इस पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं यार मैंने वो कंप्यूटर तो ले लिया है, ठीक है लोन लेकर, और उसको मैं एम्प्लॉयमेंट में इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं उस कंप्यूटर का 30% प्राइवेट यूज है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में कितना इस्तेमाल हो रहा है 70%, 30% प्राइवेट यूज है, तो बेटा जो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस होगा ना आपकी टोटल इनकम में से वो 70% ही माइनस होगा, क्योंकि 30% तो आप खुद ही तो क्या कह रहे हो क्या है पर्सनल यूज, तो पर्सनल एक्सपेंडिचर थोड़ी माइनस होता है। तो अगर ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं आप कि लोन लेके आपने माशाल्लाह एक बड़ा जबरदस्त किस्म का लैपटॉप लिया लेकिन उसमें दो यूजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइवेट, घर में भी इस्तेमाल में आ रहा है, इस तरह की बात चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ जितना एम्प्लॉयमेंट में इस्तेमाल हो रहा है जितने परसेंट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट निकालेंगे। मिसाल के तौर पर आपका क्वालिफाइंग इंटरेस्ट आ गया 1,000 pounds, आप 1,000 pounds को अपनी टोटल इनकम में से माइनस नहीं करेंगे बल्कि उसका 70% या जितना भी एम्प्लॉयमेंट में परसेंटेज इस्तेमाल हो रहा है वो माइनस करेंगे, ठीक हो गया जी, माइनस करेंगे भाई, माइनस करेंगे इंटरेस्ट को टोटल इनकम में से माइनस करोगे तो आपकी इनकम कम हो जाएगी ना। इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉई कंट्रोल कंपनी, सर दुनिया की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो बेसिकली किसके कंट्रोल में, एम्प्लॉई कंट्रोल कंपनी, अगर कोई एम्प्लॉई कंट्रोल कंपनी है उसके लिए आपने लोन लिया है उस लोन पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट क्या है क्वालिफाइंग। इन्वेस्टमेंट इन कोऑपरेटिव, इन्वेस्टमेंट इन कोऑपरेटिव मिसाल के तौर पर जैसे ये बहरी टाउन जैसी कोई जगहें हो जाती हैं, तो यहां अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए अगर आपने लोन लिया तो वो भी किसमें आएगा क्वालिफाइंग में। आखिरी टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ क्या, क्लोज ट्रेडिंग कंपनी, क्लोज कंपनी उसे कहते हैं विच इज कंट्रोल्ड बाय लेस देन इक्वल टू 5 shareholders। क्लोज कंपनी मीन्स एक ऐसी कंपनी जिसका कंट्रोल किसके पास हो, लेस देन इक्वल टू 5 shareholders। ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने लोन लिया भाई, उस लोन पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, उस लोन पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट क्या क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट को हम टोटल इनकम में से माइनस करें, कैसे माइनस करेंगे वो भी बताऊंगा अभी इंशाल्लाह। सो यहाँ एक करेक्शन करें प्लीज, पर्सनल अलाउंस गलत लिखा हुआ है पेज नंबर 5 पर, 12,500 पर्सनल अलाउंस कितना है 12,500, और फॉलोइंग टैक्स रेट को भी ठीक कर लें 19-20 है, 18-19 लें 19-20 टैक्स रेट ठीक कर लें, ठीक कर लिए। आई होप ये इनकम लेवल बैंड इनकम नॉन सेविंग ये सब हम कर चुके, 7.5 32.5 ये चीज़ें हमें अच्छे से पता है। अब एक अगर आप मुझे दें
वो तो खुद बताया ना, एग्जामिनर बताया। अब यहां देखिएगा, जो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होता है यहां लिखा नॉन सेविंग, यहां लिखा सेविंग, यहां लिखा ड्यू। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट को सबसे पहले नॉन सेविंग के टोटल में से माइनस करेंगे। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट को सबसे पहले कहां से माइनस करेंगे? नॉन सेविंग के टोटल में से। अज्यूमिंग नॉन सेविंग का टोटल बहुत कम था, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट अभी भी बच रहा है, तो सेविंग में से अगर फिर भी बच जाए तो डिविडेंड में से पी। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की सीक्वेंस क्या है? पहले नॉन सेविंग, फिर सेविंग और फिर डिविडेंड। ये सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगी। अगर ये कॉपी हो चुका है तो बता दो। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की सीक्वेंस, पहले नॉन सेविंग, लेकिन नॉन सेविंग के टोटल में से माइनस होगा। यहां लिख देता हूं, सेविंग इनकम के भी टोटल में से माइनस होगा और डिविडेंड इनकम के भी टोटल में से माइनस होगा। जी यहां तक आ चुके हैं, मैं बता दूंगा ऐसा। मुझे आप लोग जल्दी से प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दे, कर चुके हैं आप इस तरह के सवाल काफी, 2 मिनट लगेंगे। ये मुझे क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज सॉल्व करके दे दें, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 का एक आंसर आया 500, कोई और बताएगा? नॉन सेविंग लिया आपने, और डिविडेंड इनकम यहां ले लेते हैं टोटल का कॉलम। नॉन सेविंग एम्प्लॉयमेंट इनकम 50,000, डिविडेंड 6,000, 56, या भी टोटल इनकम। पर्सनल अलाउंस 12,500, टैक्सेबल इनकम आ गई, थर्टी 7,000, कितना 43,500। नॉन सेविंग तो सारी की सारी किसमें आ रही है? बेसिक रेट बैंड। इनकम टैक्स हम निकाल रहे हैं, बेसिक रेट बैंड, नॉन सेविंग, नील रेट बैंड, डिविडेंड इनकम 2,000 का 0%, जीरो। बाकी हाई रेट बैंड में आ जाए जी बेटा, बाकी डिविडेंड इनकम हाई रेट बैंड में आएगी, ये सुन, 4,000 का 32.5 कितना आ रहा है? 1,300 आ रहा है इसको, ग्रेट। ऐड करते हैं बेटा इनकम टैक्स लायबिलिटी, बता रहे इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? जो आपने एडवांस में दे चुके हैं पे ही माइनस कर दें, पे ही कितना है? 9,200। रिफंडेबल कितना आ गया?
400 का रिफंडेबल आ जाएगा, ज्यादा पे कर दिए ना भाई, कम हो तो पे बिल आ जाए, ज्यादा पे कर दिए तो क्या आ गया, रिफंडेबल। ये बात क्लियर हुई? जी जी, ये बात क्लियर होती? क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन 3 जैसे सवाल आप कर चुके हैं, अब जरा सा आगे चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां तक आ चुके थे लोग, आप लोग देखेंगे पेज नंबर 7 एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है। बात कर ले, अब बेटा देखिएगा एक नया कॉन्सेप्ट। देखिए अब हम ये सीख रहे हैं, ये जो पर्सनल अलाउंस है ना 12,500, ये भी रिड्यूस हो जाता है। एक्चुअली इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि यार पर्सनल अलाउंस तो हम उन लोगों को देना चाह रहे हैं थोड़े कम कमाते हैं, कोई बहुत ज्यादा कमाता है तो उसका पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाता है। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर अर्निंग से ज्यादा अर्निंग्स होंगी तो आपका पर्सनल अलाउंस जीरो भी हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, मतलब आपको देना नहीं पड़ेगा। तो खैर वापस आते हैं, अभी सीखना है कि पर्सनल अलाउंस कब रिड्यूस कब होता है। ये देखिए वी आर लर्निंग रिडक्शन इन पर्सनल अलाउंस, टॉपिक का नाम क्या है, रिडक्शन इन पर्सनल अलाउंस, कब हमारा पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाता है। देखिए मैंने लिया नेट इनकम, आपकी टोटल नेट इनकम लिया, उसमें से लेस कर दें ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन। एक्चुअली गिफ्ट एड डोनेशन का ट्रीटमेंट वही है टैक्स ट्रीटमेंट जो हमने पीपीसी का लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिकॉल करें लास्ट क्लास में पीपीसी पढ़ा था, पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, आप जो भी पे करते हो 20% एचएमआरसी देगा, ग्रॉस से बेसिक और हाई रेट बैंड बढ़ेगा, और एक और चीज भी लिखवाई थी ग्रॉस पीपीसी से एडजस्टेड नेट इनकम कम हो जाती है। एक्चुअली गिफ्ट एड का भी टैक्स ट्रीटमेंट सेम है, बस छोटा सा इशू ये कि गिफ्ट एड वो आपसे पीसीसी में पूछता नहीं, लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट ग्रॉस गिफ्ट एड का, गिफ्ट एड डोनेशन का और पीपीसी का सेम है। क्या मतलब, पीपीसी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दोबारा बता देता हूँ, जो भी आप पे करते हो 80% 20% एचएमआरसी देगा, गिफ्ट रेट में भी ऐसा ही है, जो भी आपने पे किया 80% 20% एचएमआरसी देगा, बेसिक रेट बैंड ग्रॉस गिफ्ट रेट से भी बढ़ेगा और ग्रॉस पीपीसी से भी बढ़ेगा। लेस कर दें एक और चीज यहां से, क्या लेस कर देंगे ग्रॉस पीपीसी, पीपीसी याद है पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इसको अब जो आता है ना इसको कहते हैं एडजस्टेड नेट इनकम, एडजस्टेड नेट इनकम, और ज्यादा फेमस नाम है इसका ANI, एडजस्टेड नेट इनकम। आप सुनिएगा, अगर ANI, अगर ANI 1,00,000 से ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। पर्सनल अलाउंस रिड्यूसेस व्हेन ANI इज मोर देन 100,000। रिपीट, व्हेन डज इट रिड्यूस, पर्सनल अलाउंस रिड्यूसेस व्हेन ANI इज मोर देन 100,000। अगर ANI 1,00,000 से ज्यादा होगा तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू ले लें, आपका जो पर्सनल अलाउंस है वो तो 12,500 है, रिडक्शन कैसे आएगी वो देखिएगा, मैंने यहां लिखा रिडक्शन इन पर्सनल अलाउंस, यहां देखिएगा अज्यूमिंग एडजस्टेड नेट इनकम 1,10,000 है, अजम्पशन अज्यूम कर रहा हूं कि एडजस्टेड नेट इनकम 1,10,000 है, इसमें से माइनस करेंगे 1,00,000, जो आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे ख्याल से 5,000 आएगा। ये मैंने 1,10,000 की एडजस्टेड नेट इनकम अपने से अज्यूम की है, 5,000 इसमें से माइनस करते हैं तो किस पर आ जाएंगे 7,500,
अब इस इंडिविजुअल को जो पर्सनल अलाउंस मिलेगा वो 12,500 का नहीं मिलेगा, बल्कि कितने का मिलेगा? 7,500 का। ये बात क्लियर होती है? यस। तो इट मींस जो रिडक्शन इन पर्सनल अलाउंस का फॉर्मेट बनता है, जो पर्सनल अलाउंस है 12,500, इसमें से हम लेस कर देते हैं ANF माइनस 1 लाख इंटू 1/2। ठीक। अब सुनिएगा, अगर किसी की एडजस्टेड नेट इनकम, इफ एडजस्टेड नेट इनकम इज मोर देन इक्वल टू 1,25,000, रिपीट, अगर किसी इंडिविजुअल की एडजस्टेड नेट इनकम मोर देन इक्वल टू 1,25,000 होगी तो पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा। देयरफॉर पर्सनल अलाउंस इज जीरो। तो किसी भी इंडिविजुअल की अगर एडजस्टेड नेट इनकम 125 हो या उससे ज्यादा हो तो उसका पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये बात क्लियर होती है? क्योंकि अगर आप 1,25,000 में से 1,00,000 माइनस करेंगे और 25 का डिफरेंस आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500। तो एक छोटा सा पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है, अगर पर्सनल अलाउंस 1,25,000 हो या उससे ज्यादा हो और एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,000 या उससे ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप सुनिएगा, वो जो हम कहते थे ना कि ग्रॉस पीपीसी से एक फायदा होता है कि आपकी एडजस्टेड नेट इनकम कम हो जाती है, फायदा है ना सर? अगर ग्रॉस पीपीसी आपकी एडजस्टेड नेट इनकम को 1,00,000 से कम कर देगा तो आपका पर्सनल अलाउंस वेस्ट नहीं होगा, या 1,00,000 कर दे तब भी वेस्ट नहीं हो रहा। पर्सनल अलाउंस तो कब वेस्ट होना शुरू होता है? जब आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 1,00,000 से ज्यादा हो। इसका मतलब पता है क्या? अगर आपको किसी इंडिविजुअल की इनकम नजर आ रही होगी 1,00,000 से ऊपर जा रही है तो आप उसको एक एडवाइस देंगे कि आप पीपीसी कर दो, आप गिफ्ट एड दे दो। उससे फायदा ये होगा कि आपका टैक्स सेव हो जाएगा। कैसे? सर आपका पर्सनल अलाउंस मिल जाएगा ना आपको, वरना आपका पर्सनल अलाउंस का मिलना लॉजिकली टैक्स ही तो सेव होता है उससे आपका। तो मैं अपनी बातें रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि कोई इंडिविजुअल जो है उसकी ANI 1,00,000 से ऊपर जाने वाली है तो, और उसने पीपीसी नहीं किया, उसने गिफ्ट एड नहीं किया, तो आप एडवाइस दे दो यार आपको क्या देगा पीपीसी, फायदा पर्सनल अलाउंस वेस्ट नहीं होगा। अब देखिए इसमें एक और छोटा सा मॉडल, अगर किसी की इनकम 1,25,000 कितनी हो, उसको पर्सनल अलाउंस जीरो मिलेगा। मैं उसको मशवरा दे दूं यार पीपीसी 20,000 का कर दो, कितने का? 20 का। 20,000 का पीपीसी करेगा उसको 100/80 करेंगे, 25,000 हो जाएगा। तो सोचें जिसका ANI बगैर कंट्रीब्यूशन के 1,25,000 आ रहा हो, अगर 25,000 का कंट्रीब्यूशन कर देगा तो ANI कम हो जाएगा, ये माइनस होता है ना माइनस। 1,25,000 वाली चीज को अगर मैं 1,00,000 पे ले आऊंगा तो पर्सनल लॉस रिड्यूस नहीं होगा। क्या मतलब? यहाँ देखो, अगर आपको कोई कहता है कि यार मिस्टर ए जो है इसकी नेट इनकम 1,25,000 और वो कह रहा है यार मैं कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो आप तो उसको एडवाइस दोगे ना, वो कहेंगे यार अगर आप पीपीसी कर दो और अगर आपका ग्रॉस पीपीसी 25,000 हो जाए कितना हो जाए, तो आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 1,00,000 हो जाएगी ना। 1,00,000 अगर होगी तो पर्सनल अलाउंस वेस्ट नहीं होगा। 1,25,000 पे तो पर्सनल अलाउंस जीरो है ना मैम, ये बात क्लियर हो? तो अगर कोई आपको लगता है कि किसी की नेट इनकम 1,00,000 से ऊपर जा रही है तो आप उसको जरूर मशवरा दें, एडवाइस दें कि आप ANI करो या हो, आप पीपीसी करो, आप गिफ्ट एड करो, ताकि ANI कम हो। ANI कम होगा तो आपका पर्सनल अलाउंस वेस्ट नहीं होगा। एक लाख 25,000 अगर किसी एडजस्टेड नेट इनकम हो, क्या हो एडजस्टेड, तो उसका पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाता है। फॉर्मूला देख लो ना क्या, अगर यहां से 1,25,000 माइनस करो, इसमें से 125 में से 1,00,000 माइनस करोगे 25 आएगा, 1/2 करोगे कितना आएगा? आप लोगों में चेंज नहीं है, यही है बस, फिर खत्म हो गया। अपने लिए पढ़ो बेटा,
तो आप लोगों को पता होना चाहिए एन ए 125 हो या उससे ज़्यादा हो तो क्या नहीं होगा, अगर किसी की वैसे आ रही पर्सनल है तो अलाउंस नहीं मिलेगा, 120 या 125। मैं बैठा रहे कुछ भी नहीं मिलने वाला उसको। यहाँ लेकिन एक क्वेश्चन ले लेते, मिस्टर ए लेट्स से इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है 140, इसकी डिविडेंड इनकम है 20, रिक्वायर्ड है, बताएं जी मुझे इनकम टैक्स लाइबिलिटी, बस यही इन्फॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं। क्या इस इंफॉर्मेशन को देख के आपको लगता है इसको पर्सन हाउस मिलेगा? यस तो सर इसको पर्सन हाउस नहीं मिलेगा, आप चेक कर लो, उसकी इनकम तो 1,60,000 बन रही है और कोई पीपीसी नहीं है, कोई गिफ्टेड नहीं है। 1,25 भी अगर हो जाए ना, 1,25 खाली हो जाए एडजस्टेड नेट इनकम, तो पर्सन हाउस जीरो हो जाता है, तो बहुत आगे निकल गया। हाँ अगर मिस्टर ए कोई पीपीसी करता, कोई गिफ्टेड करता, तो फिर इसकी एडजस्टेड नेट इनकम क्या हो सकती थी, कम हो सकती थी, शायद चांस होता कि आपको पर्सन हाउस मिल जाए, लेकिन आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे तो आपको पर्सन हाउस नहीं मिलेगा। तो मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे इनकम टैक्स लाइबिलिटी क्या आ रही है। शाबाश, आई नीड इनकम टैक्स लाइबिलिटी। मिस्टर ए इज नॉट गेटिंग एनी पर्सनल अलाउंस, रीजन इसकी एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,000 से ज्यादा। देखते हैं नॉन सेविंग और एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी, 1,40,000। कहने से जो पर्सनल अलाउंस होगा इसकी एनआई जो है 125 से ज्यादा है, तो पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा। ये बात क्लियर होती है, यही 140 टैक्सेबल इनकम। अच्छा जी, अब यहाँ देखें इनकम टैक्स निकाल लेते हैं, इनकम टैक्स बेसिक रेट बैंड नॉन सेविंग 37,000, 37,500 का 20% में कितना आता है 7,500। हायर रेट बैंड नॉन सेविंग का टोटल 1,40,000 है ना, तो 140 में से अगर आप माइनस कर दें 37,500, 102, 41,000 आएगा। यस तो अब आप देखें डिविडेंड में तो यार हमेशा क्या मिलेगा, सबसे पहले मेल रेट बैंड कितने का, अब अगर आप देखो तो हायर रेट बैंड की लिमिट है 1,50, क्या मैं कह सकता हूँ उस 150 में से 142 आ चुका है, क्योंकि अगर आप इसे 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 टोटल करेंगे तो 1,42,000 बनता है। तो हायर रेट बैंड में क्या हम कह सकते हैं 8,000 की स्पेस अभी बाकी है। तो हायर रेट बैंड डिविडेंड इनकम 8,000 का 32.5 20, एडिशनल रेट आ जाएगा किस पर, डिविडेंड इनकम। आप मुझे बताएं डिविडेंड इनकम थी कितनी है वहां पर टोटल, 20 में से 10 तो आ चुका है ना, बचा 10,000, 38.1, 3,000,
3810 कितना है? आइडियो आप प्लीज एक चीज समझिएगा जो शायद आपको अच्छी लगे, कंफर्म करना मुश्किल है। मुझे बताएं अगर किसी की एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,000 हो या उससे ज्यादा, उसका पर्सनल लोन जीरो हो जाएगा जैसे ऐसे है? अगर किसी की एडजस्टेड नेट इनकम ANI 125 हो या उससे ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है जो ज्यादा अर्निंग हाई अर्निंग्स इंडिविजुअल जो है उनको हम कैसे इंकरेज करें कि यार आप पीपीसी करो, आप गिफ्ट एड करो, क्योंकि यार देखें फायदा ये होगा अगर वो पीपीसी करते हैं तो उनकी एडजस्टेड नेट इनकम कम हो जाएगी। ANI कम होने से क्या होगा कि उनको पर्सनल अलाउंस मिलेगा, पर्सनल अलाउंस मिलेगा तो टैक्स ऑफ कोर्स सेव होगा, ठीक। लेकिन लेट्स से एक शख्स है मिस्टर ए नाम का जो कहते हैं मेरी जो इनकम है वो 1,00,000 से 125 तक जा सकती है। आपने कहा देखो यार तुम्हारी इनकम अगर 125 पे जाए ना भाई, तुम्हें काम करना, पीपीसी वगैरह कर लेना, गिफ्टेड कर लेना, क्योंकि 125 पे जाओगे तो पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा। तो आप एक काम करो, आप पर्सनल अलाउंस और पीपीसी वगैरह कर लो, गिफ्टेड कर लो, फायदा क्या होगा आपका ANI कम हो जाएगा, ANI कम होगा तो पर्सनल अलाउंस सेव होगा, पर्सनल अलाउंस सेव होगा तो टैक्स सेव होगा। उसने अच्छा उसने कहा ये बताओ ये जो मेरी इनकम है 1,00,000 अगर ये 1 से किस पे आ जाए 125 पे, दोनों में गैप कितना अमाउंट है, इतना ही गैप है ना दोनों में। उसने कहा ये बताओ ये जो दोनों में गैप है 25,000 का, उसने कहा इफेक्टिवली इस 25 पे मुझे क्या टैक्स रेट बेयर करना पड़ेगा अगर मैं पीपीसी नहीं करता, गिफ्टेड नहीं करता, तो दोनों में फर्क तो 25,000 का है। तो ये बात क्लियर होती, कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा बीबीसी की तरफ तो 25,000 की तो मसला आएगा। आपने कहा हाँ, उसने कहा बस ये बता दो कि जो 25,000 का डिफरेंस है इस पे इफेक्टिवली टैक्स रेट मुझे क्या बेयर करना पड़ेगा। अगर उसने कहा बहुत ज्यादा टैक्स बनता है मेरा तो मैं सोचूंगा बीबीसी वगैरह का, वरना नहीं सोचूंगा। हमने कहा ठीक है आ जाओ बताते हैं आपको। सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी की अर्निंग 1,00,000 है, वो 1 से 1,25 तक जा सकता है। वो हमसे ये पूछना चाहते हैं 1,00,000 से 1,25 के दरमियान जो 25,000 का फर्क है, उस 25,000 के फर्क पे इफेक्टिवली मेरा टैक्स रेट कितना बनता है, देखते हैं। बहुत आसान है, अगर ऐसा है लेट से ये इसकी 1,00,000 टैक्सेबल इनकम है, 1,00,000 उसकी टोटल इनकम है, यहाँ 125 है, यहाँ पर्सनल अलाउंस मिल जाएगा 12,500, यहाँ तो नहीं मिलेगा ना, एग्री कर रहे हैं? देखिए टैक्सेबल इनकम आ जाएगी कितनी आ जाएगी 87,500 की टैक्सेबल इनकम, यहाँ तो 120 पहले 87,500 को हम टैक्स करते हैं, अलग नाम लेते हैं इनकम टैक्स। बेसिक रेट बैंड 37,000, फिर सारा हाई रेट बैंड में आ जाएगा। अगर हम 87,500 में से 37,500 माइनस करें तो कितना 50, इसका मतलब इस इंडिविजुअल की 1,00,000 पे इनकम टैक्स एवरेज कितनी आ रही है 27,000। इसमें तो कोई डर नहीं है, डाउट नहीं है, इनकम टैक्स एवरेज ऐसा है। अगर ये इंडिविजुअल जो है इसकी इनकम अगर 1,25,000 हो तो देखते हैं क्या होगा, 125, 37,500 का कितने परसेंट,
अब अगर 1,25,000 में से आप 37,500 माइनस करो क्या आता है, 1,25,000 में से अगर आप 37,500 माइनस करें क्या आता, कितना 87 मिला भाई, इसका 40% लगा दो 35,000 ऐसा है। इनकम टैक्स लाइबिलिटी 52,000 42,500, बहुत काम का पॉइंट आने वाला है, तरह से जागते रहिए। 42,000 ऐसा है। मुझे बस एक चीज बताएं, इन दोनों इनकम टैक्स लाइबिलिटीज में फर्क कितने अमाउंट का, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कितना फर्क है दोनों में? 15,000 का फर्क है, ये सुनो। दोनों इनकम टैक्स लाइबिलिटीज में 15,000 का फर्क है। ऊपर आओ, दोनों की, दोनों में अर्निंग्स के लिहाज से 25,000 का फर्क है, ये सुनो। दोनों में अर्निंग के लिहाज से किसका फर्क है? तो बेटा यहां देखिएगा, इफेक्टिव टैक्स रेट ऑन 25,000 इनकम, तो सिर्फ उस 25,000 के चक्कर में जो आपका इफेक्टिव रेट है वो 15,000 डिवाइड बाई 25 × 100 60% बनता है। ये बात क्लियर है? तो लॉजिकली टेक्निकली आपकी इनकम अगर 1,00,000 से 1,25,000 पे जाती है, इनकम के लिहाज से तो गैप 25,000 का है सर, लेकिन बेटा इनकम टैक्स लाइबिलिटी के लिहाज से देख लें गैप कितना है, 15,000 का। इफेक्टिव टैक्स रेट 20, 40, 45 भी नहीं है, 60% जिसकी आगे खुल कर रहेगी, बोलो जुल्म है। आप कह रहे मैं कब से बोल रहा हूं, करो पीपीसी, क्यों नहीं करते? 60% का फायदा हो चेक कर लो। और ये इफेक्टिव रेट होता है ना दोनों में, मतलब 1,00,000 में 125 का जो डिफरेंस है, 60% का इफेक्टिव रेट है, ये अक्सर F6 की बुक में लिखा होता है, P6 की बुक में भी लिखा होता है, बच्चे F6 में भी एक दो दफा पढ़ते हैं, छोड़ ही देते हैं, लड़ाई आता है, ठीक है हटा देते हैं, और पेपर में टीचर कह देता नहीं आता, P6 में भी नहीं आता। लेकिन भाई अब आपको समझ में आना चाहिए ये 60% इफेक्टिव आता कैसे, एक बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया ना आपको एग्जाम के लिए लिखने के लिए, क्या अगर आपकी इनकम 125 तक जा रही है ना, तो आप प्लीज मतलब कुछ पीपीसी करें, वरना आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 1,00,000 से 25 के दरमियान कितना परसेंट है, 60%। ये बात क्लियर है? आगे चले, तो आगे चलते। अब मैं चाहूंगा कि प्लीज अगर आप मुझे क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज सॉल्व करके देना, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4। लॉर्ना हैज एन एनुअल सैलरी 130, मेड ग्रॉस पीपीसी 19,000, ग्रॉस पीपीसी 19, ग्रॉस को ग्रॉस नहीं करते बेटा, पढ़ा था कुछ मेंशन ना हो तो नेट होता है, ग्रॉस तो उसने खुद बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज मुझे इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल के दें, 2-4 आंसर बताएं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 7, सॉरी नॉन सेविंग, सैलरी कितनी 1,30,000, पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन देख लेते हैं कितना मिलेगा, या एक वर्किंग दिखा देते हैं। पर्सनल अलाउंस होता है 12,000, अगर आप चेक करें तो इनकी जो एन आई एडजस्टेड नेट इनकम है, क्या मैं कह सकता हूँ 1,30,000 में से आप ग्रॉस पीपीसी माइनस करोगे ये बात क्लियर होती, जो इनकी टोटल इनकम है जिसे बताने के लिए 1,30,000 है ना, इसमें से आप ग्रॉस पीपीसी माइनस कर दो 19,000 का, तो एनआई जो आ रहा है 111,000 आ रहा है। अब 111,000 तो 1,25,000 से कम है ना, तो इसमें पर्सनल अलाउंस थोड़ा बहुत तो मिलेगा,
डिवाइडेड टू 5500 माइनस कर दो कितना मिलेगा? आज भी 7000 का पर्सनल अलाउंस मिलेगा, ये बात क्लियर होती है? अगर 7000 का पर्सनल अलाउंस मिलेगा तो यहां देखें, यहां से 7000 माइनस कर दें तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, वन ट्वेंटी थ्री होगी। कहने से बेसिक रेट बैंड की लिमिट बढ़ेगी, यस तो बढ़ेगी ना बेसिक रेट बैंड की। आप मुझे बताएं ग्रॉस पीपीसी कितना किया? 19000, यस तो बेटा 37500 में 19000 ऐड कर दें, 56500, इसका 20% ले लें, 11300 आ जाएगा, यस तो सर बाकी तो सारा हाई रेट बैंड में आ रहा है, तो 123000 में से 56500 माइनस कर दो, 66500 आता है, इसका 40% ले लें आप, 2600 आ जाएगा, 37900 चेक करें, ये आ रहा है जो आपके पास, यस तो इधर ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा, अल्लाह माफ़ करे। चेक कर लीजिए 37500 मिला। अब बेटा मुझे क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से, जरूरत नहीं है 5 की, इसमें कोई वो या बता ही दें यार, ऐसा ना उसमें कुछ नया शो, क्वेश्चन नंबर 5 भी बता दें जल्दी से सॉल्व कर दो, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज, पेज 7 क्वेश्चन 5, ट्रिस्टन अर्न एम्प्लॉयमेंट इनकम 137500, रिसीव बैंक एंड ट्रस्ट 22500, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके दे दें पेज 7। क्वेश्चन नंबर 5 चलें ये देख लेते हैं, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड इनकम टोटल डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट इनकम 137000, सेविंग 22 और डिविडेंड सबका टोटल 1, कोई पीपीसी नहीं किया तो पर्सनल अलाउंस तो 0 हो गया, तो पर्सनल अलाउंस बेसिकली क्या आ रहा है 0, तो यही हमारे लिए टैक्सेबल इनकम है। जी यही टैक्सेबल इनकम का काम करेगा, यही करें बेसिक रेट बैंड, नॉन सेविंग 37000, 20% 7000, अब हाई रेट बैंड 100, क्या मैं कह सकता हूं सेविंग इनकम में कोई भी नील रेट बैंड नहीं मिलेगा क्योंकि ये एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, इसको देख के हम कह सकते हैं ना एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, अगर कोई एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो तो उसको सेविंग इनकम में नील रेट बैंड नहीं मिलता,
अब मुझे बताएं हाई रेट बैंड में कितनी जगह बाकी है? 12,000 लगा दें, 40% एडिशनल रेट या सेविंग इनकम, 10,000 बाकी सेविंग इनकम, 45%। तो डिविडेंड में जो एक चीज बहुत अच्छे से पता है ना हम सबको, चाहे बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, हायर हो, एडिशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 2,000 का नेट बैंड मिलेगा ही मिलेगा। नेट बैंड डिविडेंड इनकम 2,000 का 0%, जीरो। बाकी कितना बाकी है? एडिशनल रेट 15,000, 38.1, 57, 5715, 5715, 62, 6,275 मिला। ये देखने स्ट्रॉन्गली बिलीव के सबके पास यही आना चाहिए, काम इसलिए कर लीजिए आप लोग। अच्छा हायर, चेक कर लें चीजें तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी सर। मतलब इसने जो अपना वो अब हमारा आइडिया वो सीख लिया ना, उसको यहाँ कुछ भी नहीं आया। ये पता लग गया इनकम टैक्स लाइबिलिटीज की कैसे है? एलोकेशन ऑफ पर्सनल अलाउंस ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, रिकॉल करें, बताएंगे नॉर्मली पर्सनल अलाउंस को की सीक्वेंस क्या होती है और कब पर्सनल अलाउंस की सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं या चेंज कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड, पर्सनल अलाउंस नॉर्मली 1, 2 और 3 था, यहाँ से तो माइनस हो गई होगा पर्सनल अलाउंस, नो डाउट अबाउट इट। नॉर्मली 1, 2, 3 होता है, लेकिन हमने कहा था ये यू भी हो सकता है, 1, 3 और 2। सीक्वेंस उस वक्त चेंज होती है जब आपकी सेविंग इनकम में आने वाला अमाउंट सारे का सारा स्टार्टिंग रेट बैंड में अगर फॉल कर रहा है तो सर आप सीक्वेंस चेंज कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सेविंग इनकम सारी की सारी स्टार्टिंग रेट बैंड में फॉल कर रही है तो टैक्स रेट तो 0% है ना, वहां से पर्सनल अलाउंस माइनस करके आप कोई टैक्स सेव नहीं करेंगे। ये बात क्लियर होती है? इस पर हमने काफी सवाल किए थे लास्ट बार, तो आई स्ट्रांगली बिलीव के पर्सनल अलाउंस की एलोकेशन वाले पॉइंट में, मतलब आप पर्सनल अलाउंस की एलोकेशन चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसे चेंज करने से कोई फ़ायदा होगा, यू कैन डू दैट। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 बता देंगे जल्दी से सॉल्व करो, पेज 8 क्वेश्चन नंबर 6, या ये हम कर चुके हैं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? नहीं, कर लो आप कर लो, कोई बात नहीं बेटा, आज P6 थोड़ा तो पढ़ लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 6 था बेटा, क्वेश्चन 6, पेंशन इनकम, सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम, सही तो होना चाहिए आपसे। ये क्या क्यों बात है? चले रिवीजन समझ के कर लें। ये सवाल हमने किया हुआ, चलो सही 24,000
आप देख सकते हैं नॉन सेविंग में से पर्सनल अकाउंट माइनस करने के बाद, पर्सनल अकाउंट तो बच गया, उसे सेविंग में से माइनस करने का फायदा ही भी नहीं है, क्योंकि सेविंग में जितनी इनकम आ रही है सारी स्टार्टिंग रेट बैंड में ही फॉल कर रही है। सो तो हमने सीक्वेंस चेंज कर दी, टैक्सेबल इनकम आ गई, स्टार्टिंग रेट बैंड, सेविंग इनकम 5000 का 0% जीरो। अगर हम डिविडेंड की बात करें, नील रेट बैंड, डिविडेंड इनकम 2000 का 7.5% कितना है? और ये 375 ही हमारी इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, 375 ही हमारी इनकम टैक्स लाइबिलिटी। ये बात क्लियर होती है? अब से अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कमिंग क्लास हम इसी पॉइंट्स ऑनवर्ड्स शुरू करेंगे।